जो बजट पास हुआ उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप खुश हैं इस बजट से? देखिए, सारे लोग क्रिकेट में चौका और छक्का मारते हैं, लेकिन मोदी जी ने और पीयूष जी ने, जेटली जी ने इस बार अट्ठा मार दिया है। जो बजट पास हुआ है आप इससे कितना खुश हैं? खुशी और गम की तो कोई बात ही नहीं, तो खुला खुला लॉलीपॉप है। इसमें कोई खुशी की बात ही नहीं है, ये काम 4 साल पहले मोदी सरकार कर सकती थी, ये अभी क्यों कर रहे हैं भाई? 4 साल पहले भी कर सकते थे, ये तो लॉलीपॉप ही है। ये सिवाय बेवकूफ जनता को बनाने के सिवा कोई दूसरा काम मोदी सरकार नहीं कर रही है। किसानों को कुछ दे रहे अच्छी बात है, लेकिन कभी दे रहे है जब जाने की बारी आई या डरने की बारी आई तभी दे रहे। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने जो भी निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, वो कुछ सोच समझ कर ही कदम उठा रहे हैं वो। तो अब की बार किसकी सरकार? राहुल गांधी। अब जो चुनाव होना चाहिए, आपने वायदे क्या किए थे, कितने वायदे पूरे हुए, मुद्दे ये होना चाहिए। और मीडिया को भी इससे जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि इन मुद्दों पे आपने जनता के सामने ये वायदा किया था, इस इन 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 मुद्दों में हमने ये काम किया। तो 5 लाख रुपया एक गरीब आदमी कभी नहीं कमाता साल में, तो ये सब सरमायेदारों के लिए, पैसे वालों के लिए ही एक जो है ना सरकार बनी है। और गरीबों के लिए तो वो अच्छा है, मेरे ख्याल से इनकम टैक्स जो है ना वो 1.5 लाख पे 2 लाख पे लगा करके और कम कर दो भले ही, लेकिन एक रोजगार बढ़ा दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। चाहे गाय का मुद्दा हो, चाहे अपने बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे नमाज का मुद्दा, कई मुद्दे उन्होंने लाए कि भाई जनता को लड़वाएं, लेकिन जनता ने बहुत सब्र और सुकून से काम लिया और 2019 में सबक भी सिखा देगी जनता उनको। 4 साल 4.5 साल नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाया है, मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सर यहाँ कैमरा लगा, वहाँ जो है उन्होंने जो काम किया है वो दिख रहा है। 5 लाख रुपए की आमदनी पे टैक्स फ्री और प्लस किसानों के लिए 6,000 रुपए सालाना देने का जो वादा किया, आप इससे कितने खुश हैं? खुश तो है, बहुत अच्छी बात है, बट इतने धोखे खा चुके हैं तो अभी थोड़ा सा विश्वास नहीं होता, बट ठीक है, अगर कुछ पॉजिटिव कदम उठा है तो अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ के लिए। जो 6,000 रुपये जो किसानों के लिए लागू किया जा रहा है, इससे आप कितना सहमत? सर आप बताइए कि आप अगर साल में अगर आपको 6,000 रुपये दिए जाए तो आप क्या करेंगे? ये सिर्फ एक लॉलीपॉप कह सकते हैं इसको, कि लोगों को लुभावने के लिए है, बाकी मुझे नहीं लगता कि 6,000 में कुछ साल भर में कुछ हो सकता है। हाँ ये हो सकता था कि अगर हर महीने आप 6,000 दे रहे तो उनकी फसलें ख़राब होंगी, जो भी उनका रूटीन है उसमें इस्तेमाल करें, पानी के पैसे देने पड़ते हैं, बीज के पैसे देने पड़ते हैं। देखा जाए सच्चा इंसान को ये देखा जाए तो इस बार जो है ना राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का। कि राहुल गांधी अभी मैच्योर्ड इतने नहीं हुए तो उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वो ऑफकोर्स उनका लेवल बढ़ रहा है, ओके लेकिन सेंट्रल में आज मोदी की जरूरत है तो मोदी आना पड़ेगा सेंट्रल में, नॉर्थ स्टेट। अब की बार किसकी सरकार? देखिए ये तो पहले से ही तय था, सरकार जो है वो मोदी अंकल की ही आनी है, क्योंकि जनता को मोदी का कोई विकल्प नहीं है और उनको मालूम है अगर देश की सुरक्षा चाहिए और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी राज्य चाहिए तो आपको मोदी आवश्यक है। तो जनता को जागरूक किया जाए वो काम आपका है, जनता को भीड़ न बनने दिया जाए वो काम आपका है, सही मुद्दे से जनता को रूबरू करवाया जाए और जनप्रतिनिधि एक बार डरे और वो हिसाब लेकर के जनता के सामने जाए, न कि इस तरह के एक बहकावा और एक स्वप्निल दुनिया फिर से लेकर के जाए, फिर हम खो देंगे, फिर हमारा देश हमारे पास नहीं रह जाएगा। 5 लाख के ऊपर अगर 5,05,000 रुपये आपका हो रहा है तो आपको जो पुराना जो स्लैब है वही है आपका, मतलब वही टैक्स भरना है, 30% वही, 20% वही सब कुछ है। तो ऐसा होना चाहिए था कि भाई 5 लाख का अगर वो उन लोगों ने कंसेशन दिया है तो 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख वाले को और थोड़ा सा कंसेशन देना चाहिए था ना। ये मूर्ति बनाना और क्या मैं टूर करना, विदेशों में जाना, जितने खर्चे हो रहे हैं उससे अच्छा है कि हमारे देश की तरक्की के लिए यहाँ पर कुछ कारोबार चालू कराया जाए, गरीबों की मदद की जाए और रोजगार के रास्ते खोल दिया जो बंद है पिछले 4.5 साल से, पूरा रोजगार के रास्ते पूरी तरह से बंद है। मैं अभी जा रहा था तो एक बालक मिला, वो AC 3rd में एक बालक मिला, तो मुझे लगा कि ये बालक सिर्फ सेवा करने वाला नहीं है, तो उसने कहा सर मैं BTEC हूँ। हमने कहा BTEC होकर के तुम यहाँ ऐसे क्यों, कब चादर बांट रहे हो? तो उसने कहा सर 6,000 रुपया पाता हूँ, सोचता हूँ कभी कन्फर्म हो जाऊँगा, रेल का एम्प्लॉय हो जाऊँगा। हमने कहा नहीं, अब वो दिन तो लग रहा है कि बहुत दूर चले गए। गौर कीजिएगा वहीं एक रेल का 4th क्लास का एम्प्लॉय 25-30 हज़ार रुपये महीना पा रहा है, रिटायरमेंट के बाद कम से कम पेंशन पाएगा, और वहीं पे 6,000 रुपये का कर्मचारी काम कर रहा है। ये कौन सा देश हम खड़ा कर रहे हैं सर? जो किसान हैं उनको सालाना 6,000 रुपये दिया जाएगा,
दो दो हजार रुपए के तीन किस्तें होगी साल भर में, तो ये जो हुआ है क्या इससे आप सहमत हैं, खुश हैं? इससे बिल्कुल खुश नहीं है। ये जो भी स्कीमें आती है वो असल आदमी तक नहीं पहुंचती है। हम चाहेंगे हमारा नेता वो हो, हमारा प्रधानमंत्री वो हो, जो जो भी कानून पास होता है, जो भी चीज़ें पास होती है, वो गरीब तबके तक पहुंचे, जिसका हक है उधर तक पहुंचे। आप किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? मोदी जी को हमने टेस्ट कर चुके हैं, राहुल जी को जनता हिचकिचा रही है टेस्ट करने में। मोदी जी इज़ बेस्ट, ट्राई कर रहे हैं, बट होप उनसे थोड़ी कम हो चुकी है। मतलब जो पब्लिक ने, जो लोगों ने जो उनके ऊपर भरोसा किया था, और काफ़ी हर लोगों ने भरोसा किया था, थोड़ी सी दिक्कत तो आई है।